हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्काईवे लर्निंग हब पे। मैं आशुतोष शर्मा यहाँ पे पढ़ाता हूँ क्लास 9 टू 12 मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में आज हम पढ़ेंगे आगे के कुछ टॉपिक्स, और टॉपिक्स स्टार्ट करने से पहले हम PYQs देखेंगे जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। फर्स्ट लेक्चर जो हमने लिया था, फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स ऑफ सिक्वेंस पढ़ा था, और उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, सेकेंड लेक्चर में हमने प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने आपको APGP और HP के बारे में बताया था। हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो हमारा मेन फोकस रहेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे, ठीक है। तो इससे पहले के दो लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको हमारी प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे आपको हमारे रिमेनिंग दो लेक्चर्स वहां से मिल जाएंगे। उन दो लेक्चर्स को जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको आगे के जो टॉपिक्स हैं, आगे के लेक्चर्स से समझ में आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 3, और लेक्चर नंबर 3 में हम यहाँ पे सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद हमारा जो टॉपिक आगे का है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है, मैं यहाँ पर रीड आउट कर रहा हूँ। द सिक्स्थ एंड 17th टर्म्स ऑफ एन AP, हमारे पास सिक्स्थ टर्म और 17th टर्म किसी AP की दे रखी हैं, जो क्या है, 19 and 41 रिस्पेक्टिवली। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि जो सिक्स्थ टर्म है वो 19 है और जो 17th टर्म है वो हमारे पास क्या है, 41 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो टर्म ऑलरेडी दे रखी हैं किसी भी AP की, हमें नहीं पता AP की फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, nth टर्म क्या है, हमें कुछ नहीं पता, बस हमको कोई दो टर्म यहाँ पे गिवन में है। फिर हमसे पूछा है 40th टर्म क्या होगी हमारे पास, ठीक है। तो हमको T40 या A40 की वैल्यू निकालनी है, तो वो वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमको जो गिवन क्वेश्चन में दिया है, जो दो टर्म्स दिए हैं हमें, जनरल जो टर्म का फार्मूला होता है, जनरल टर्म का AP का, वो यहाँ पर लगाना है। उसकी मदद से हमारे पास दो इक्वेशन बन के आएंगी, और जब भी हमारे पास दो इक्वेशन होती हैं तो हमको पता है वहाँ से हम आसानी से दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसा कि आपने लीनियर इक्वेशंस में पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो उसी टाइप का यहाँ पर से यहाँ से कुछ दो इक्वेशंस बनेंगी, चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास A6 दे रखा है, ठीक है, हमारे पास सिक्स्थ टर्म क्या दे रखी है, सिक्स्थ टर्म हमारे पास है 19। इट इम्प्लाइज हमारे पास जनरल टर्म का फार्मूला हमें पता है, A6 का अगर फार्मूला खोलेंगे तो ये बनेगा A+, ये बनेगा 6 - 1 × D = 19, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा A+5D = 19, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हमने लेट कर ली है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास 17th टर्म भी दे रखी है, तो A17 की वैल्यू हमारे पास गिवन में है, A17 की वैल्यू कितनी है, A17 की वैल्यू हमारे पास 41, कितनी है, 41। तो यहाँ से जनरल टर्म का फार्मूला जब A17 के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, A+17 - 1 × D, ठीक है, ये कितना है, 41 हमारे पास दे रखा है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा A+16D = 41, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। हमारे पास दो इक्वेशन निकल के आ गई हैं, अब हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है वहाँ से हम A और D की वैल्यू निकालेंगे। देखिए दो वेरिएबल हो गए और दो इक्वेशन है, तो आसानी से A और D की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, A+6D = 41 और A+5D = 19, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन को हमने लिखा, फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो A कैंसिल आउट हो जाएगा, और 16 में 5 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 11D, ठीक है, 11D = और यहाँ पर 41 में हम 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 2 आएगा, और यहाँ पर 2 आएगा, 22 आएगा, ठीक है। और D की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो D की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से D = 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो एक वेरिएबल जो D था हमारे पास कॉमन डिफरेंस, उसकी वैल्यू आ गई है। इस D को हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, आप कोई भी इक्वेशन में रख सकते हैं, हम इक्वेशन नंबर 1 में D की वैल्यू रखेंगे। जब इक्वेशन नंबर 1 में D की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा, A+5 × D, 5 × D की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है,
इज इक्वल टू कितना है 19 है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ए इज इक्वल टू 19 माइनस 10, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल गया, ए इज इक्वल टू कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई, यानी कि फर्स्ट टर्म भी मिल गया, डी की भी वैल्यू मिल चुकी है, कॉमन डिफरेंस भी मिल गया। हमसे पूछा गया क्वेश्चन में 40th टर्म निकाली है, तो यहाँ से ए 40 की वैल्यू आसानी से अब हम निकाल सकते हैं, ए 40 इज इक्वल टू ए प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी, यही हमारे पास जनरल टर्म आएगा ए 40 के लिए, ठीक है। ए की वैल्यू रख दीजिए, ए की वैल्यू 9 है हमारे पास, प्लस 40 माइनस 1 कितना होगा 39 इंटू डी, डी कितना है 2 है, ठीक है। आप क्या करेंगे 9 प्लस और 9 टू जा कितना होगा 18, 3 टू जा 6 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 87। इट मीन्स जो क्वेश्चन में पूछा था ए 40 की वैल्यू निकालिए, तो हमारे पास 40th टर्म कितनी है 80। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोला है, इफ़ 9th टर्म ऑफ एन ए पी इज 0, हमारे पास क्या दे रखा है, जो 9th टर्म है ए 9 इज इक्वल टू 0, ये गिवन में है। तो ए 9 का जब फार्मूला खोलेंगे क्या बन के आएगा, जनरल टर्म ए प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, तो 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ए प्लस 8 डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये कितना आएगा ए इज इक्वल टू माइनस 8 डी, ठीक। ये हमारे पास एक रिलेशन निकल के आ गया, ठीक है। ये रिलेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर बोल दिया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ गई। उसके बाद क्या कह रहा है, प्रूव इट्स 29th टर्म इज डबल द 19th टर्म, ठीक है। ये बोल रहा है हमको प्रूव करना है, जो इसकी 29th टर्म होगी वो इसके 19th टर्म का डबल होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए 19 निकालेंगे, कितना निकालेंगे ए 19 निकालेंगे, तो ए 19 क्या हो जाएगा ए प्लस 18d, कितना हो जाएगा ए प्लस 18d हो जाएगा। ए की वैल्यू में पता है माइनस का 8d है, तो माइनस 8d प्लस 18d, ये हो जाएगा 10d, कितना आ जाएगा 10d। अब हम निकालेंगे ए 29, क्या निकालेंगे ए 29 निकालेंगे, तो ए 29 देखिए कितना हो जाएगा ए प्लस 28d, ठीक है। फिर ए की वैल्यू में पता है कितनी है, माइनस 8d है प्लस 28d, ठीक है 28d, और ये कितना हो जाएगा 20d, ठीक है। और ये हमारे पास ए की वैल्यू पता थी हमारे पास माइनस 8d, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन लिख देंगे, ए की वैल्यू हमने रिप्लेस की है माइनस 8d, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो ए 29 आया वो 20d है, ए 19 आया है वो 10d है। तो यहाँ से हम क्या प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पे हम प्रूव कर सकते हैं जो ए 29 है वो किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ए 19, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, जो 29th है ए 29 कितना है 20d है, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू ए 19 कितना है, ए 19 हमारे पास 10d, हैंस प्रूव, ठीक है। यही हमको प्रूव करना था कि जो हमारे पास 29th टर्म है वो 2 टाइम्स मीन्स डबल है 19th टर्म का। टू डिजिट नंबर हमको निकालने जो 5 से डिविजिबल हैं, तो पहला टू डिजिट नंबर हमारे पास कौन सा होगा 10 होगा, उसके बाद कौन सा होगा 15 होगा, इसके बाद 20 होगा, इसके बाद 25 होगा। इसी तरीके से जो लास्ट हमारा टू डिजिट नंबर जो 5 से डिविजिबल है वो हमारे पास क्या होगा 95 होगा, ठीक है। तो ये एक हमारे पास सीक्वेंस बन कर के आ गई है, ठीक है। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। क्यों है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास 10 है, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए a2 माइनस a1 कर लीजिए, तो सेकंड टर्म हमारे पास 15 है और फर्स्ट टर्म 10 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आ जाएगा 5, ठीक है। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, और जो इसका nth टर्म है, nth टर्म मीन्स लास्ट टर्म 95 है, कितना है 95 है। हमसे पूछ रहा है कितने ऐसे नंबर्स हैं, तो ये सीक्वेंस में कितने नंबर्स आएंगे मीन्स कितनी टर्म्स आएंगी, n की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास nth टर्म गिवन में है, जनरल टर्म क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये यही इसी को बोलते हैं nth टर्म, और nth टर्म हमारे पास गिवन में है 95 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू कितनी है 10 है, जो कि फर्स्ट टर्म होता है, n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 है, ठीक है, इज इक्वल टू 95। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा हमारे पास, 10 प्लस 5n माइनस 5 इज इक्वल टू
5, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5n इज इक्वल टू, ये 95 ये माइनस का है तो इधर आ जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, और ये माइनस का 10, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और जब n की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 90 अपॉन 5, और जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 1 5 5 8 40, ठीक है, तो कितना हो गया हमारे पास 18 हो गया। तो इट मीन्स हमारे पास टोटल 18 नंबर्स होंगे 2 डिजिट के जो हमारे 5 से डिविजिबल होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर हमें, क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ हमें गिवन में है, ठीक है, ये तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम रीड आउट करेंगे और साथ में लिखते जाएंगे जो हमें गिवन में होगा। हमारे पास दिया है mth टर्म ऑफ ap इज 1 अपॉन n, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे am की वैल्यू दे रखी है कितना है 1 अपॉन n है, तो भाई am अगर हम एक्सपेंड करेंगे जनरल टर्म तो कितना हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है 1 अपॉन n, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से हमको दे रखा है nth टर्म 1 अपॉन m है, तो nth टर्म कितनी है 1 अपॉन m है, ठीक है, तो इसको अगर हम जनरल टर्म लिखेंगे इसका तो कितना आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन m, ये हमारी एक सेकेंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हमें क्या शो करना है, सो दैट इट्स m nth टर्म इज 1, ठीक है, जिसकी a mn की वैल्यू होगी वो 1 होगी, तो वो कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, हम क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m इज इक्वल टू, ए से ए कैंसिल आउट होगा, ठीक है, और ये क्या बचेगा m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पर हम LCM ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा m माइनस n अपॉन एम एन इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा एन डी माइनस डी माइनस एन डी, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का d हो जाएगा। अब ये d कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे d को कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा m माइनस एन इंटू डी, ठीक है, m माइनस एन इंटू डी, और फिर ये क्या हो जाएगा m माइनस एन, एक ये वाला और ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास d कितना आ गया, d की वैल्यू आ गई 1 अपॉन m n, कितना आ गया 1 अपॉन m n। अब हमने d की वैल्यू निकाल ली है और इस d की वैल्यू को हम पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, जब इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे d की वैल्यू तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये इक्वेशन 2 वेरिएबल में बन गई है, जो कि a और d को हम क्या मान रहे हैं, वेरिएबल मान रहे हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जैसे सॉल्व करते हैं उसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, तो d की वैल्यू मिल चुकी है, a की वैल्यू निकालेंगे, इस d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, d की वैल्यू रखेंगे तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 1 अपॉन m n, ठीक है, 1 अपॉन m n है और इज इक्वल टू 1 अपॉन n है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा a प्लस, तो इसको अंदर लाएंगे जब ब्रैकेट के अंदर तो ये कितना हो जाएगा m अपॉन एम एन माइनस 1 अपॉन m n इज इक्वल टू 1 अपॉन n हो जाएगा, ठीक है, m से m कैंसल आउट हो जाएगा तो a इज इक्वल टू कितना आएगा 1 अपॉन n, ये प्लस का 1 अपॉन n बन जाएगा, उधर जाएगा माइनस का 1 अपॉन n, ठीक है, ये माइनस का 1 अपॉन m n था तो इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन m n, तो यहाँ से देखिए a की वैल्यू कितनी आ गई, a इज इक्वल टू 1 अपॉन m n, ठीक है, तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन m n, ठीक है, तो a और d दोनों हमारे पास क्या आ रहे हैं 1 अपॉन m n आ गया। अब हमें जो शो करना था, ठीक है, हमको क्या शो करना है m nth टर्म, तो देखिए m nth टर्म कैसे निकालेंगे a m n, तो इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ए की वैल्यू रख दीजिए 1 अपॉन m n, ठीक है, प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू रख दीजिए 1 अपॉन m n, ठीक है।
जब आप इसको अंदर लाएंगे तो 1/mn और ऊपर वाला mn कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा -1/mn। तो 1 -1/mn और माइनस का 1/mn और प्लस का 1/mn कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमें प्रूव करना था कि इसका जो एम nth टर्म है वो कितना है, 1 है। तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो गया, हैंस प्रूव, ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा था, इसको प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो सेम क्वेश्चन है जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर ट्राई किया था। If pth term of an AP is Q, means A P दे रखा है, Q है, और A Q दे रखा है, P है, ठीक है, Qth term क्या हमारे पास, P है। फिर हमको यहाँ पे show क्या करना है, so that its nth term is P plus Q minus N, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, दो इक्वेशन बनेगी, ठीक है, एक तो ए पीएथ टर्म दे रखा है, तो ए पी इज इक्वल टू जनरल टर्म एक्सपेंड करेंगे और ए क्यू का जनरल टर्म एक्सपेंड करेंगे, दो इक्वेशन आएंगी A और D में, A और D की वैल्यू निकालिए। A और D की जब वैल्यू निकल आएंगी, आपने A की वैल्यू निकाल ली, आपने D की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, A N की वैल्यू निकालनी, तो A N इज इक्वल टू क्या जाएगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। आप इस A की वैल्यू रख दीजिए, D की वैल्यू रख दीजिए, जब आप रखेंगे तो आपके पास A N इज इक्वल टू P प्लस Q माइनस N, ये आपके पास हैंस प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा जो टॉपिक है nth टर्म फ्रॉम एंड, यहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक है, उसका कोई यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा था स्टार्टिंग से nth टर्म का जो फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, उसी तरीके से अगर लास्ट से पूछ दिया जाए फ्रॉम द एंड, तो फ्रॉम द एंड का फार्मूला क्या होता है, एल माइनस, वहाँ पे होता था a प्लस, यहाँ पे होगा एल माइनस, ठीक है, एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, वहाँ पे फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन इंटू डी होता था, यहाँ पर क्या होगा, लास्ट टर्म माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बस इतना सा चेंजेस है। एल क्या हमारे पास लास्ट टर्म होता है, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, आपको पता ही है। अगर आपसे पूछ दिया जाए nth टर्म फ्रॉम द एंड निकालिए, तो क्या फार्मूला होगा, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। और यहाँ पे एक और नोट पॉइंट आपको देखने की ज़रूरत है, सपोज दैट हमारे पास कोई ए पी गिवन में, उसमें एम टर्म्स हैं, कितनी टर्म्स हैं, एम टर्म्स हैं, और आपसे पूछ दिया जाए कि nth टर्म फ्रॉम एंड किसके बराबर होगा, ठीक है, किसके बराबर का मतलब स्टार्टिंग से अगर हम निकालना चाहें तो कौन सी टर्म होगी वो, ठीक है, तो कौन सी टर्म होगी ये हम कैसे पता करेंगे। सपोज दैट हमने लिखा यहाँ पर a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, ठीक है, यहाँ पर इस सीक्वेंस, इस प्रोग्रेशन में हमारे पास कितनी टोटल टर्म्स हैं, हमारे पास इस प्रोग्रेशन में हमारे पास AP में कितनी, 8 टर्म्स हैं, कितनी टर्म्स हैं, 8 टर्म्स हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, M की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो नोट पॉइंट है उसमें हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, M टर्म्स के लिए। तो इस AP में कितनी टर्म्स हैं हमारे पास, 8 टर्म्स हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आप इसका थर्ड टर्म निकालिए फ्रॉम लास्ट, तो थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट कौन सी होगी, हमसे पूछ दिया जाए थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, तो थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट कौन सी होगी, 1, 2, 3, कौन सी होगी, ए सिक्स, ए सिक्स, और ए सिक्स हमारी क्या है, स्टार्टिंग से सिक्स्थ टर्म है, ठीक है, ये क्या हमारे पास सिक्स्थ टर्म फ्रॉम स्टार्ट, ठीक है, स्टार्टिंग से हमारे पास सिक्स्थ टर्म आ रही है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ दिया जाए फिफ्थ टर्म निकाल के बताइए भाई साहब कितनी होगी एंड से, फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट कौन सी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, तो कौन सी होगी, ए फोर, कौन सी होगी, ए फोर, और ए फोर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फोर्थ टर्म है फ्रॉम स्टार्टिंग, स्टार्टिंग से कौन सा टर्म है, 1, 2, 3, फोर्थ टर्म आ रही है, तो स्टार्टिंग से कौन सी है, फोर्थ टर्म फ्रॉम स्टार्ट। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ दिया जाए भाई सिक्स्थ टर्म हमारे पास निकाल के बताओ लास्ट से कौन सी होगी, तो लास्ट से सिक्स्थ टर्म कौन सी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कौन सी होगी, ए थ्री, कौन सी होगी, ए थ्री, और ए थ्री हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग से थर्ड टर्म है, ठीक है, स्टार्टिंग से कौन सी है, थर्ड टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे, जो हमारे पास हमने पूछा था थर्ड टर्म निकालो एंड से, ठीक है, तो वो हमारे पास निकल के आ रही थी सिक्स्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, तो सिक्स्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं,
हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स थी, 8 टर्म्स थी, ठीक है, माइनस किया, हमसे पूछा गया थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, तो 8 माइनस 3 कर देंगे, ठीक है, और इसमें प्लस 1 एक ऐड कर देंगे, तो हमारे पास देखिए कौन सी टर्म आ जाएगी, 6th टर्म आ जाएगी, 8 माइनस 3 5, 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। जब हमारे पास 5th टर्म फ्रॉम एंड पूछा गया था तो हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल 8 टर्म्स हैं, माइनस 5 कर देंगे प्लस 1 कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 माइनस 5 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4th टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग हो जाएगा। जब 6th टर्म हमने पूछा कि इस लास्ट से बताओ किसके इक्वल आएगा, तो हमारे पास A3 के इक्वल आ रहा था, तो A3 देखिए कैसे आएगा, टोटल हमारे पास 8 टर्म्स हैं, माइनस किस टर्म की बात की थी, 6th टर्म, तो 8 माइनस 6 करेंगे और एक ऐड कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास फिर से यहाँ पर A3 आ जाएगा। तो यहाँ से जनरलाइजेशन हमने क्या किया, यहाँ पर जनरलाइजेशन ये किया है कि अगर किसी भी AP में हमारे पास m टर्म्स हैं, यहाँ पर m की वैल्यू 8 थी तो इसलिए यहाँ पर हमने m ले लिया, ठीक है, 8 ले लिया, तो m टर्म्स हैं तो उसका फार्मूला स्टार्टिंग से क्या बनेगा, मीन्स अगर आपसे पूछ दिया जाए nth टर्म फ्रॉम एंड निकालिए, क्या पूछ दिया जाए, nth टर्म फ्रॉम एंड, तो किसके इक्वल होगा, ये देखिए ये m की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, m की वैल्यू है, और आपसे यहाँ पर पूछ दिया थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, तो थर्ड क्या हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी, तो ये n की वैल्यू हो गई, m माइनस n, और ये क्या हो गया, प्लस 1, तो यही फार्मूला यहाँ पर लिखा है, अगर आपसे nth टर्म फ्रॉम एंड पूछ दिया जाए तो वो कैसे निकालेंगे, m माइनस n प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग से होगा, ठीक है, तो आपको प्रोग्रेशन में स्टार्टिंग से पता कि कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, बट आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए nth टर्म फ्रॉम एंड निकालिए, तो हम क्या करेंगे, उसको स्टार्टिंग से चेंज कर देंगे, स्टार्टिंग से कौन सी टर्म आएगी उसमें हम निकाल लेंगे, कैसे निकालते हैं, अगर किसी भी AP में m टर्म्स हैं तो m माइनस जो टर्म पूछी गई है माइनस n और एक ऐड कर देंगे, प्लस 1 टर्म हमारे पास कौन सी हो जाएगी फ्रॉम स्टार्टिंग। तो देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोला, डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन AP, ठीक है, हमको एंड से 10th टर्म निकालना है कितना होगा, और ये AP दे रखा है, तो इसमें जो गिवन में सबसे पहले वो निकालेंगे, फर्स्ट टर्म हमारे पास 4 दे रखा है, लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है 254 है, ठीक है, और इसी लास्ट टर्म को ANB बोलते हैं, nth टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म भी दे रखा है हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, इसमें D की वैल्यू निकालेंगे, तो D की वैल्यू कितनी आएगी, जब आप A2 - A1 कर लीजिए, A2 - A1 कर लीजिए, तो सेकेंड टर्म 9 है, फर्स्ट टर्म 4 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास 5 आएगा, ठीक है, तो D की वैल्यू भी आ गई, एंड तो 10th टर्म फ्रॉम एंड, तो 10th टर्म फ्रॉम एंड क्या हो जाएगा, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, 10th टर्म फ्रॉम एंड पूछा तो L की वैल्यू 254 हो जाएगी, और 10th टर्म भाई n की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 209 हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है, तो इस टाइप से nth टर्म फ्रॉम द एंड के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, काफ़ी ईजी होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या कह रहा है, द सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। हमारे पास कोई भी अननोन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हमको नहीं पता उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, उसकी लास्ट टर्म क्या है, मीन्स nth टर्म क्या, ठीक है, बस हमको क्या पता है कि उस AP की जो 4th टर्म है और 8th टर्म है अगर दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 24, ठीक है, एक तो केस वन ये है। उसके बाद सेकंड केस क्या बोला, द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 34। हमारे पास जो 6th टर्म है और जो 10th टर्म है अगर दोनों को ऐड करें तो आंसर आएगा 34, ठीक है, तो हमको पता करना है इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले तो कोई भी क्वेश्चन हो हमको क्या करना होता है, क्वेश्चन में जो गिवन में होता है वो हम लिखेंगे, ठीक है, और जो चीज़ हमसे पूछी जा रही है हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि पूछ क्या रहा है, तो इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, तो हमें पता है कोई भी एपीओ वहाँ पर चार चीज़ें होती हैं, एक तो फर्स्ट टर्म होता है, एक nth टर्म होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, एक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ठीक है, तो अगर फर्स्ट टर्म हमको गिवन में नहीं है तो अगर हमें फर्स्ट टर्म नहीं पता क्या है एग्जैक्ट तो उसको हम लेट करेंगे, क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, और कॉमन डिफरेंस तो हमसे पूछा ही गया है तो कॉमन डिफरेंस को भी हम एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, तो एज्यूम कैसे किया जाएगा, फर्स्ट टर्म हमें पता है एक ए हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ए ले लेंगे और कॉमन डिफरेंस को क्या ले लेंगे, डी ले लेंगे, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस डी हमने एज्यूम कर लिया और
आपने फर्स्ट टर्म ए एज्यूम कर ली। उसके बाद जो यहाँ पर दोनों कंडीशन दिए हैं वो क्वेश्चन में हम निकालेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी हमें दिया होगा। तो ए फोर प्लस ए एट अगर हम करते हैं मीन्स फोर्थ टर्म और एथ टर्म को ऐड करेंगे तो 24 आएगा, ठीक है। ए फोर का जनरल टर्म क्या होता है, ए प्लस 3d होता है, और ए एट का जनरल टर्म क्या होगा, ए प्लस 7d होगा, इज इक्वल टू 24, ठीक है। ए और ए को ऐड करेंगे 2a हो जाएगा, और 3d और 7d को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 10d हो जाएगा, इज इक्वल टू 24, ठीक है। अब हमें दिख रहा है इस इक्वेशन में 2 कॉमन आ रहा है, LHS में भी RHS में भी, ठीक है। तो 2 कैंसल आउट हो जाएगा, या फिर हम क्या करेंगे इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2a अपॉन 2 कितना हो जाएगा, केवल a बचेगा, 10d अपॉन 2 करेंगे तो 5d बचेगा, ठीक है, और 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। उसके बाद सेकेंड जो कंडीशन है यहाँ पर a6 प्लस a10, जो सिक्स्थ टर्म है और टेंथ टर्म है दोनों को ऐड करने पर कितना आना चाहिए आंसर, 34, जो कि क्वेश्चन में हमें दिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ चल रहे हैं, सिक्स्थ टर्म का जनरल टर्म क्या होगा, a प्लस 5d होता है, ठीक है, और टेंथ टर्म का क्या होगा, a प्लस 9d होगा, तो इज इक्वल टू 34, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, a और a दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा, 5d और 9d दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 14d आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 34। यहाँ पे भी हमें 2 कॉमन मिल रहा है LHS में भी RHS में, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे 2a अपॉन a हो जाएगा, 14d अपॉन 2 करेंगे 7d हो जाएगा, इज इक्वल टू 34 अपॉन 2 करेंगे 17 आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन बनी है और दोनों इक्वेशन में हमें दो अननोन है, एक तो फर्स्ट टर्म एक तो कॉमन डिफरेंस, और इक्वेशन भी दो है हमारे पास। तो जब भी कोई क्वेश्चन हो जहाँ पर दो अननोन हो और दो इक्वेशंस हो तो ये प्रॉब्लम बन जाती है आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना हमें पता है, ठीक है, हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए और डी अननोन हो जाएंगे, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को दोनों को लिखेंगे और फिर यहाँ से हम ए और डी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों इक्वेशन को, तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा और 5d में 70 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 2d आ जाएगा, 12 में 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 5 आएगा, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5/2 आ जाएगी, ठीक है। और इस अननोन की वैल्यू हम क्या रख देंगे, जो डी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है ये किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, या तो फर्स्ट इक्वेशन में या तो फिर सेकंड इक्वेशन में, हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। तो जब डी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास आएगा ए प्लस 5 × d, और डी की वैल्यू कितनी है, 5/2, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/2, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो कंडीशंस बनी थी, हम दोनों कंडीशंस को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे, फिर वहाँ से दो इक्वेशन फॉर्म हुई, ठीक है। उस दो इक्वेशन से हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों को निकालिए, हालांकि इसमें फर्स्ट टर्म नहीं पूछ रहा था बट मैंने यहाँ पर निकाल दिया है। बाई चांस अगर किसी क्वेश्चन में पूछ दे कि फर्स्ट टर्म भी बताइए तो आपको क्या करना है, आपको बस एक स्टेप और जाना है और फर्स्ट टर्म भी निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस पूछा था जो कि हमारे पास 5/2 राइट आंसर है। फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही था, हमने आज क्या कवर किया, हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए, ठीक है। उसके बाद nth टर्म फ्रॉम एंड, उसको डिफाइन किया, nth टर्म फ्रॉम एंड कैसे निकालते हैं उसके ऊपर एक एग्जांपल भी हमने लिया था, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अभी तक जितना टॉपिक कवर कराया है उसके ऊपर जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे हमने यहाँ पर करा दिए हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था, अब हम आने वाले अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या कवर करेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन AP, ठीक है। तो सम ऑफ एन टर्म्स के लिए हम यहाँ पर फार्मूला डिराइव करेंगे जो कि हम अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो अगर आपको आज का लेक्चर हमारा पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और तो स्टूडेंट्स मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।